Assalamu alaikum students, welcome to Rahman Teaches Physics. Today we are going to discuss Coulomb's law. एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था जिसने 1783 के अंदर एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, और जिसने लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, जिसकी बेस पर उस लॉ का नाम कूलम्स लॉ रख दिया गया। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहते हैं? द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज वन, पॉइंट चार्ज टू। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और इनवर्स रिलेशन है इसका फोर्स का इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, सही है। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन ये होता है अगर हम एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और इनवर्स रिलेशन क्या होता है अगर हम एक चीज बढ़ाएं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम होगी। तो देख लेते हैं कैसे। अब ये देखें Q1 है और ये Q2 है। अब ये दोनों नजदीक हैं, इनका डिस्टेंस कम है, तो ये ज्यादा तेजी से मतलब ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर लेंगे अगर हम इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो इनकी फोर्स एक दूसरे के ऊपर कम लगना शुरू हो जाएगी, मतलब ये एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से अट्रैक्ट कर पाएंगे क्योंकि फोर्स कम लगेगी, डिस्टेंस हमने इंक्रीज किया फोर्स कम हो गई। तो ये है हमारा पहला एक्सप्रेशन, देख लेते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें यहां पर हमने डिस्टेंस इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज हो गई। अब देखें यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है। अब हमें मालूम है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर आने वाला कांस्टेंट जो है कूलम्स लॉ कांस्टेंट है और विच इज के। अब देखिए ये के जो डिपेंड करता है टोटली ऑन मीडियम पर डिपेंड करता है। अब इन दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, आइदर वो फ्री स्पेस है या कोई दूसरा मीडियम है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस के लिए k की वैल्यू क्या होती है? 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसकी अपनी वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10 power minus 12। और इस k की अपनी वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं। F is equals to k q1 q2 over r स्क्वायर, सही है। अब हम k की वैल्यू रख देते हैं, k की वैल्यू क्या है? फॉर फ्री स्पेस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। f इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ। गाइस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके ध्यान में सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू।